इसके लिए हम लोग डीजी को मिलने के लिए तमाम मुस्लिम लीडर जैसे कि नसीर अहमद साहब, हमारे एमपी राज्यसभा के नासिर हुसैन साहब, हमारे माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट जब्बार साहब और जीए बाबा साहब, तमाम में मिल के हम लोग एक डीजी को मेमोरेंडम देने के लिए आए थे। वजह इसकी आप देखे होंगे, 1 तारीख को जो है शिवरात्रि हब्बा जो था, उस दिन एक फसाद हुआ उधर आलंद के अंदर। वो आलंद के अंदर फसाद होने का कारण, उधर एक्चुअल 144 सेक्शन था, उधर 144 सेक्शन डाला हुआ था। उधर एक दरगाह है, दरगाह के थोड़ा एक दो फासले के अंदर एक उधर एक लिंगा है करके बोलते वो लोग। वो लोग दो बार कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट में भी जाके उन लोग का अप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। वो होते हुए भी उधर जाके वो लोग पूजा करने के लिए लिंगा के लिए गए थे। वो कमेटी वाले चंद जिम्मेदार मिल के, पुलिस वाले मिल के 10 आदमी पूजा करके जाना करके तय किए थे। अगर 10 आदमी जाके पूजा करके चले जाते तो मसला हल हो जाता था। 144 सेक्शन होते हुए ये हमारे प्रेजेंट उधर के आलंद के MLA सुभाष गुत्तेदार, उससे ज़्यादा हमारे जो यूनियन मिनिस्टर जो है MP जो है बिदर के कुबा साहब, कुबा और 3-4 MLA मिल के प्रोसेशन के साथ उधर जाते हैं। अभी प्रोसेशन के उधर जाने का चांस ही नहीं है उधर, क्योंकि 144 सेक्शन होते हुए ये कानून को तोड़ने का है। कानून को उल्लंघन, ये बोलते हो क्या बोलते हो, उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। 144 सेक्शन हुए, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन, एक MLA और प्लस यूनियन मिनिस्टर, ये कुबा, यानी कुबा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर है, वो होते हुए 4 MLA के साथ में प्रोसेशन में गए तो फसाद होता ही है वो। अभी उसका कारण कौन है? अगर ये लोग प्रोसेशन में नहीं जाते तो ये फसाद नहीं होता था। जैसे कि पीस कमेटी बुलाए थे, पीस कमेटी के अंदर तय हुआ था वो कुछ, वो 4-10 आदमी आना, 10 आदमी पूजा करके जाना करके। अभी फसाद हुआ, मैं सरासर इसका पूरा जिम्मेदार मैं MLA प्लस यूनियन मिनिस्टर कुबा को देता हूँ। और ये BJP गवर्नमेंट के अंदर चल रहा क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी हाल ही में देखे होंगे एक हर्षागा करके शिमोगा के अंदर मर्डर हुआ, वो मर्डर के अंदर अभी भी तहकीकात चल रही थी, तहकीकात चल रही है। ईश्वर पर स्टेटमेंट देता है कि ये मुसलमान लोग ने मर्डर किया करके। क्या इंक्वायरी कौन कर रहा है? पुलिस वाले ना इंक्वायरी कर रहे हैं, मगर उसके अंदर भी 144 सेक्शन होते हुए भी ईश्वरप्पा एक गवर्नमेंट है, मिनिस्टर मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट होती है, वो खुद जाके प्रोसेशन में जा रहे हैं। ये BJP के अंदर मेरे हिसाब से लग रहा है ये जानबूझ के ये साजिश कर रहे हैं, जानबूझ के ये लोग मुसलमान को उपका रहे हैं, मुसलमान को, यानी जानबूझ के साजिश करके ये कर रहे हैं। अभी जो आलन के अंदर जो फसाद हुए, मैं सरासर इल्ज़ाम मैं हमारे यूनियन मिनिस्टर कुबा को देता हूँ और प्लस उधर के सुभाष गुत्तेदार को देता हूँ। मैं पुलिस से आज ही जाना गुजारिश करता हूँ, तुम आदमी लोग को तुम लोग केसेस डाल रहे हैं, आदमी से ज़्यादा पहले इनके ऊपर केस डालो, आप आदमी से ज़्यादा इनके ऊपर केस डालो, तो औरत लोग को केस डाल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को केस डाल रहे हैं। ये BJP हुकूमत में क्या चल रहा है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। हम लोग भी सब्र कितना करके करना, सब्र की भी हद होती है, सब्र की भी एक हद होती है। 150 लोगों से ज़्यादा जो है अरेस्ट कर रहे हैं, ये 160 आदमी को मेरे को नॉलेज, मेरे को माहिती आने, मेरे को जो माहिती आया 160 जन को कुछ अरेस्ट किए बोल के, उसके अंदर 9 औरत बच्ची लोग को अरेस्ट किए, छोटे मासूम बच्चे 12 साल माइनर नहीं है वो, उनको कुछ 10-15 बच्चे लोग को अरेस्ट किए, ये इसका जिम्मेदार कौन है? अगर ये प्रोसेशन लेके अगर नहीं जाता MLA सुभाष गुत्तेदार प्लस उधर का कुबा जो सेंट्रल मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन है, उसको ये तक मालूम नहीं कि 144 सेक्शन कर्फ्यू डाला, 5 आदमी के ऊपर नहीं जा सकते, तो प्रोसेशन लेके जाता हज़ारों की तैदार में। अगर वो प्रोसेशन लेके नहीं जाता तो ये फसाद नहीं होता था, तो इसके जिम्मेदार कौन है? अभी प्रोसेशन आया साजा, वो लोग क्या समझे कुछ गलाटा करने के लिए आने करके, पत्थरबाजी हुई, मानता मैं वो चीज़ को, नहीं होना चाहिए था पत्थरबाजी, नहीं होना चाहिए था पत्थरबाजी हुई। वजह क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सुभाष गुत्तेदार है, उधर का MP जो है, अभी यूनियन मिनिस्टर जो है, सेंट्रल मिनिस्टर जो है कुबा जिम्मेदार है, उसके ऊपर केस डालना चाहिए।